अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिक लाइन ब्रेक्स एट इंटरसेक्शन पॉइंट्स। ये आप ऑटोकैड में भी यूज कर सकते हैं और सिविल 3D में भी यूज कर सकते हैं। आप इसको किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। मेरे पास इसके लिए जो है वो एक ड्राइंग है जिसके लिए मुझे ये रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ लेबल लगे हुए हैं, ठीक है। और ये जो अलाइनमेंट और ऑफसेट अलाइनमेंट है, मुझे इनके दरम्यान में लाइन ब्रेक चाहिए। तो मेरे पास इसके लिए यहाँ पे ये सैंपल लाइन है और अलाइनमेंट है। आपके पास पॉली लाइन लाइन कुछ भी हो सकते हैं। तो मैंने इसको इसलिए ऐसे रखा है कि आप सिविल 3D में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको बिल्कुल स्क्रैच से करूँगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास जो सैंपल लाइन है, मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट सिमिलर, और इनको मैं एक्सप्लोड करता हूँ। मैंने एक्सप्लोड की कमांड दी है इसको। यहाँ पर अभी ये ब्लॉक रेफरेंस आ गया मेरे पास, तो यहाँ पर अलाइनमेंट अभी रिक्वायर्ड नहीं है मुझको, ये जस्ट दिखाने के लिए थी। अभी इसको मैं फिर एक्सप्लोड करता हूँ। यहाँ पे अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो है अभी ये पॉली लाइन है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और ये फुल लेंथ में है। अभी जब इसको मैं एक दफ़ा और एक्सप्लोड करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये राइट और लेफ्ट में ये जो है ये स्प्लिट हो गई हैं और अभी ये सिर्फ लाइन्स हैं। ओके, तो अभी हमें जो है जिस ज्योमेट्री के हिसाब से हमने इनको करना है एक्सप्लोड, यहाँ पे मेरे पास ये लाइन वर्क है। मैं इनको वन बाय वन जो है यहाँ से सिलेक्ट करके वहाँ लेके जाता हूँ उस ड्राइंग में। ओके, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी, और यहाँ पे लाके मैंने इसको पेस्ट विद ओरिजिनल कोऑर्डिनेट कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ओके, लाइन वर्क हमारा आ गया है। अभी ये जो एक्स्ट्रा लाइन है इनको हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं इनको ट्रिम कर देता हूँ, इसके लिए मेरे पास एक्स ट्रिम की ऑप्शन है। ओके, एक्स ट्रिम, ये मेरी आउटर लाइन है, इसके बाहर मुझे नहीं चाहिए ये लाइन। तो यहाँ पे ये लाइन आप लोग देख सकते हैं, ये लाइन यहाँ पे ट्रिम हो गई है। इसी तरह मैं इस लाइन को क्लिक करके बाहर की साइड में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये लाइन भी ट्रिम हो गई है, सॉरी। ये लाइन ट्रिम्स हो गई है। ओके, अभी हमें ये जो है यहाँ पे ये जो लाइन है हर लाइन पे हमें ये ब्रेक करनी है। तो उसके लिए मेरे पास एक लिस्ट है, मैं लिस्ट लोड करता हूँ, ऐप लोड। ओके, ये लिस्ट है ब्रेक आल के नाम से, मैं इसको लोड करता हूँ और इसको क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी कमांड देता हूँ ब्रेक आल। ओके, इसको मैंने सेलेक्ट किया है और यहाँ पे मैंने सारे सेगमेंट को मैंने सेलेक्ट कर लिया है और जस्ट मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये जो है इसने प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लाइन हमारी ब्रेक हो चुकी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे जो सेगमेंट है, ठीक है, यहाँ पे ये आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम इसकी डिमेंशन चेक कर लेते हैं किसी भी जगह पे। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी डिमेंशन चेक करूँ तो ये 3.6 है, तो मेरी लेन विड्थ 3.6 है, ये भी 3.6 है, और ये जो शोल्डर है अभी हम इसकी विड्थ चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे ये 1.5 है जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। तो इस वीडियो में इतना ही कि हम अपनी लाइंस को क्विकली कैसे ब्रेक कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।